नो मदर इन लॉ, ये कहानी है ध्रुव और राशि की। दोनों ही एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिले। धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते व्हाट्सएप मैसेजेस और फोन कॉल्स होने लगे। अब हर रोज राशि की सुबह ध्रुव के गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ होती, वही ध्रुव के दिन का दी एंड राशि की गुड नाइट से होता। ऐसे ही बातें होती रही और दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे। फिर एक दिन ध्रुव ने राशि को कॉल किया। हेलो, हाँ राशि, यार एक बात बोलनी थी तुमसे। हाँ बोलो ना। ये मैंने सोचा, हम दोनों पिछले 3-4 महीने से एक दूसरे के टच में हैं। आई थिंक वी लाइक ईच अदर टू, सो इफ यू डोंट माइंड इस वीकेंड लेट्स मीट समवेयर। राशि ध्रुव से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर दोनों दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं। ध्रुव राशि से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था, और हो भी क्यों ना, ये उसकी पहली ऑफिशियल डेट जो थी। सही सुना आपने, ध्रुव पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर जा रहा था। मिलने का टाइम शाम 6 बजे डिसाइड हुआ, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से ध्रुव 5 बजे ही पहुंच गया। रेस्टोरेंट में वेट करते करते उसका हर एक मिनट 1 घंटे की तरह कट रहा था। वो बार बार वॉशरूम में जाकर कभी अपने बाल सही करता, कभी फेस वॉश करता, कभी रेस्टोरेंट के गेट पर जाकर राशि कहीं आ तो नहीं गई ये चेक करता। तभी उसने देखा राशि रेस्टोरेंट में पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जिस राशि की सिर्फ पिक्चर्स देखी थी ध्रुव ने, वो रियल लाइफ में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। अपना हीरो हिट विकेट हो चुका था। सो फाइनली आज हम दोनों मिल ही गए। राशि ने भी कहा, तो बताओ किस लिए मिलना चाह रहे थे। इधर ध्रुव राशि को देखकर उसे बातें करके इतना एक्साइटेड था कि उसने बिल्कुल वेट न करते हुए सीधे पूछ लिया, राशि विल यू मैरी मी। राशि थोड़ी देर सोचती है। उसका ये सोचना ध्रुव को नर्वस करता है। ये सोचकर कि कहीं राशि मना न कर दे, वो बोलने ही वाला था कि राशि बोल पड़ी, देखो ध्रुव, मैट्रिमोनियल साइट पर मैं भी अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर ही ढूंढ रही थी, जो मुझे तुम्हें कहीं ना कहीं लगा, पर क्या यार, मुझे ना अपनी लाइफ ना अपने हिसाब से जीनी है। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हूं, पर नॉट विद योर फैमिली। ध्रुव को समझ नहीं आया। मतलब यार, आई नो अबाउट योर फैमिली, बट आई डोंट वांट टू स्टे विद योर मदर। कोई चिक-चिक नहीं चाहिए यार मुझे। आई हैव सीन इन ऑल दोस टीवी सीरियल्स यार, कैसे सास बहू के रिलेशनशिप्स, दे रुइन अ हैप्पी मैरिड लाइफ यार। ध्रुव, जो राशि को देखकर पहली बार में ही उससे मोहब्बत करने लग गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राशि से क्या कहे, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ एक सिंगल पेरेंट है और आज वो जहां है उनके स्ट्रगल्स की वजह से ही है। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मां से अलग वो कैसे रहेगा, और वो राशि को भी नहीं छोड़ना चाहता था। शायद राशि उसके चेहरे को ही पढ़ रही थी। ध्रुव, आई थिंक यू शुड टेक योर टाइम। मैं भी जवाब नहीं मांग रही हूं, आई नो ये एक बड़ा डिसीजन है। ध्रुव ने भी गर्दन हिला दी और फिर दोनों डिनर करने लगे। ध्रुव उस रात राशि से मिलने के बाद सो ही नहीं पाया, पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि राशि ने ये कैसी कंडीशन रख दी, ना वो उसे छोड़ना चाहता है और मां को छोड़ने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था। आखिर उसके बिना उनका है ही कौन। इस उधेड़ बुन में कब रात से सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह सुबह मां भी चाय लेकर ध्रुव के कमरे में आई। अरे ये आंखें क्यों सूजी हुई है तेरी, सोया नहीं क्या रात को।
वो माँ ऐसे हाँ कल राशि से मिलकर आया है, नींद कहाँ आई होगी। अच्छा बता मुझे, फोटो में जैसी दिखती है उतनी ही सुंदर है या उससे ज्यादा? ठीक ही दिखती है माँ। अच्छा बता कौन कौन है उसकी फैमिली में? शादी की बात की तूने? हाँ माँ की, वो रेडी है। ये सुनते ही माँ बहुत खुश हुई। सुन मैं ऐसा करती हूँ, अब इस घर को बेच कर ना मेरी सेविंग से जो घर हमने देखा है ना वो ले लेते हैं। ये घर छोटा है थोड़ा, यहाँ उसे अच्छा नहीं लगेगा। पर माँ उस नए घर को लेने के लिए अपनी पूरी सेविंग्स खत्म कर दोगी क्या? अरे तो क्या हुआ, तेरी और राशि की खुशी से बढ़कर कुछ है क्या? पर माँ कुछ सेविंग्स तो अपने लिए रखो, मेरी असली सेविंग तो तू है। ये सुनकर ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए, तो माँ के गले से लग गया। उसने राशि को मैसेज किया, नो टू यू एंड यस टू माय मॉम ऑलवेज।